डिंडौसी विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ऐसा सनसनीखेज आरोप वर्तमान विधायक पर मनसे के प्रत्याशी एडवोकेट भास्कर परब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया है। नमस्कार, अभी आप सबको बुलाने का कारण यही है, आप भी बहुत से यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानिक मतदाता हैं, और एक आपके बीच में का एक मतदाता आज यहाँ उम्मीदवार करके चुनाव लड़ रहा है, तो वो किस विचार से लड़ रहा है, किस तरीके से लड़ रहा है, किसके खिलाफ लड़ रहा है, उसके दिमाग में डिंडौसी के बारे में, विकास के बारे में क्या दिमाग में विजन है, वो आपके साथ चर्चा करने के लिए आज आपको बुलाया गया है। देखिए, आप सभी जानते हैं, आप यहाँ रहने वाले हैं, इधर की सड़कों की हालत देखिए, ट्रैफिक की क्या कंडीशन है आप देखिए। अभी विकास के नाम पे डेवलपर और इधर के प्रतिनिधि, उनका कैसा नेक्सस है आपको पता है। ये कुरार जिस पानी की वजह से वसा इधर लोग रहने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पानी बहुत तादाद में मिल रहा था उनको, भले स्टेशन से लंबे अपना कुरार था, लेकिन पानी और बाकी सब सुविधाएं उनको उपलब्ध थी, इसके लिए 40-45 साल पहले इधर लोग रहने के लिए आए। मेरे पिताजी वगैरह जो हमारे भी सब लोग आए, वो उसी लिए यहाँ रहने के लिए आए हैं, और 40-45 साल के बाद अभी आज की तारीख में अपने को पानी के लिए यहाँ लड़ना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, जिनको हमने चुन के दिया, उन्होंने अपने लिए क्या काम किया। आज रास्ता है, पानी है, शौचालय है। कल मैं उधर प्रचार के दरमियान घूम रहा था, तो बंजारा पाड़ा है ऊपर, आज भी वहाँ महिलाएं खुले में शौच के लिए जाती हैं, और ये सब दावा करते हैं कि हमने विकास किया। तो आप ही पूछिए उन सबको कि कौन सा विकास आपने किया। आज जो भी परिस्थिति है उसके सब वो जिम्मेदार हैं, और उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बाहरी है। यहाँ का उन्होंने ना कभी उन्होंने शौचालय के लिए लाइन लगाई है, ना रिक्शा के लिए लाइन लगाई है, ना कि उनके घर वाले या उनके जो भी रिलेटिव है वो यहाँ कभी रिक्शा से, बस से उन्होंने प्रवास नहीं किया है। स्कूल में उनके बच्चे यहाँ नहीं जाते हैं, इधर जाते हैं स्कूल में अपने बच्चे जाते हैं। इधर जो भी तकलीफ होती है अपने को होती है, अपने रिश्तेदारों को होती है, और अपने को मालूम है वो बदलनी चाहिए। इसके लिए राज साहब ने यहाँ का स्थानिक मतदार, अभी साहब खुद बोल रहे हैं आपको बदलाव चाहिए तो आप खुद कीजिए, इसके लिए अपने में से एक मतदार, इधर रहने वाला मतदार, उसको उम्मीदवार करके साहब ने यहाँ खड़ा किया है, और मैं आप सबकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो आप भी मुझे साथ दीजिए, इसलिए मैं आह्वान करने के लिए इधर आया हूँ। सही बात है, वन विभाग का विषय बहुत ही जटिल है यहाँ। मैं खुद वन विभाग में रह चुका हूँ, जब हम यहाँ रहने आए हैं तो हमारे घर पे भी वन विभाग ने कार्रवाई की है। उसके बाद क्या परिस्थिति होती है, लोग कौन से परिस्थिति से गुजरते हैं, वो मैंने खुद अनुभव किया है। अभी वन विभाग के झोपड़े के ऊपर से राजनीति की जाती है, अपना करियर बनाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे उन 1999 में वहाँ कार्रवाई हुई, 99 में वो सब निष्कासन की कार्रवाई हुई, और आज 2024 से 25 साल में सिर्फ आश्वासन मिले। उनका मूल प्रश्न जो है कि वो फॉरेस्ट में है, अगर वो पात्र हैं तो उनको घर देना बनता है, आज तक वो मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। उसके विरुद्ध उनको सबसे महंगा पानी मिलता है, उनको सबसे महंगी बिजली मिलती है, और उनके घर का आज भी प्रश्न नहीं सॉल्व हुआ है, और उसका राजनीति किया जाता है। वो गरीब रहते हैं वहाँ, घर काम करने वाली औरतें रहती हैं, टैक्सी चलाने वाले अपने सब उधर रहते हैं, उधर रिक्शा चलाने वाले सब जन रहते हैं, आज वो शोषित हो रहे हैं, उधर माफिया हो गया है तैयार। ये राजनेता जो है, नगर सेवक हैं, जो आमदार हैं, अभी उन्होंने उनको सेवा देने के नाम पे एक माफिया तैयार किया है, पानी माफिया है। आप पूछ लीजिए जाके उधर लोगों को, कौन है साहब, कौन है वो स्थानिक यहाँ के प्रतिनिधियों के ही आदमी हैं, आपको सब मालूम है, वो पानी माफिया है, बिजली माफिया है, वो शौचालय तक का पैसा लेना छोड़ते नहीं है। सिर्फ वन विभाग का क्या है, अभी आप जाइए कुरार पुलिस स्टेशन के आगे तक, उन्होंने सिर्फ शौचालय बनाते और पैसा लेने का काम यहाँ के प्रतिनिधि करते हैं, उसमें भी वसूली चालू है। ये माफिया बनाने का काम जो चालू है, उसको रोक लगाने के लिए आप सब में से मैं आज खड़ा हूँ और उसको रोक लगाऊंगा। देखिए, आप हिंदुत्व का नाम लेते लेते उन्होंने अपने करियर में इतने तक अभी प्रगति की, वो आगे चले गए, नगर सेवक से
महापौर बने, महापौर से आमदार बने। अभी आज वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व के बाजू से हैं, और अभी किसके पास वोट मांगने जा रहे हैं आप लोग उसके बारे में सोचना चाहिए। और आप लोग जाके सब मतदाताओं को बताना चाहिए कि आज हिंदुत्व का जो भी मानने वाले हैं, ये डिंडोशी कुरार में के हिंदू जो है हिंदुत्व को मानने वाले हैं, उनकी जो भी विचार है उनके बारे में सोचने वाले एक ही नेता अभी बचे हैं, वो है राज साहब ठाकरे। क्योंकि जो दूसरे भी प्रत्याशी यहाँ आए हैं, उन्होंने कैसे जब भी हिंदुओं के बारे में कुछ बातें होती थी, जब वो कांग्रेस में थे तो हिंदू के खिलाफ क्या क्या बातें करते थे आप सबको पता है। तो अभी सिर्फ राज साहब है, और राज साहब के हम महाराष्ट्र सैनिक है जो सच्चा हिंदुत्व का विचार हम लेके आगे चलने वाले हैं। तो आप लोग सबसे विनती है मेरे यहाँ के मतदारों की, जो भी हिंदुत्व का विचार मानते हैं, हिंदुत्व को मानने वाले हैं, वो राज साहब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ खड़े रहिए। हम हमेशा आजीवन उनके साथ खड़े रहेंगे। मगर 100% सही बात है, और यही चीज करने के लिए मैं यहाँ प्रत्याशी बन के खड़ा हूँ। मैं यहाँ का स्थानिक मतदार हूँ, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। आप सबको पता होगा मेरे पास कोई भी संवैधानिक पद नहीं होते हुए मैं हमारे सब साथियों ने मिलकर लाइब्रेरी बनाई। आज कोई भी यहाँ का राजनेता है वो एम्बुलेंस 6 महीने के ऊपर चला नहीं पाया, हमारी 8-9 साल से एम्बुलेंस 24 घंटा चालू है। हमारा उधर स्मारक है, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर आज सीए हो रहे हैं, कोई इंजीनियर हो रहा है, कोई डॉक्टरी का एंट्रेंस पास कर रहा है। तो हमारा सोच है कि इधर के बच्चे पढ़ाई में आगे जाए, इधर के बच्चों को आरोग्य सेवा में उधर उनको सेवा मिले, यही सोच से हम यहाँ इलेक्शन में चुनाव करने के लिए खड़े हैं। आप देख रहे, आपको सबको पता है, एक मिनट, आपको सबको पता है कि अप्पाबाड़े में एक प्रसूति गृह था, मैटरनिटी होम था, उसका डेवलपमेंट भी हुआ लेकिन उसका उद्घाटन आरोग्य केंद्र के नाम पे हुआ। अभी ये अगर राजनेता बोलते हम नया हॉस्पिटल लाएंगे, उनको आप पहला सवाल कीजिए, जो हॉस्पिटल आया था उसका आरोग्य केंद्र किसने किया? वो इतना होशियार कौन नेता है? उसके पीछे उसके जब वो चीज़ हो रही थी तो जो आज के नगर सेवक थे वो चुप क्यों थे? और इस तरीके से सेवा होने वाली है क्या? जो हक का है वही वो छीन रहे हैं, तो नया कहाँ से लाएंगे?